सुपोषित मां अभियान के इस तृतीय चरण में ये अभियान शुरू किया। हर माता बहनों को स्वस्थ रखना और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, इसी क्रम में यूट्यूब में चेक कर लो अपने फोन में, जब मैं आपके बीच में राखी के रक्षाबंधन के पर्व पर आया था तो मैंने सभी बहनों से कहा था कि हमारी सभी बहनें माताएं सुपोषित हो, और वही वादा पूरा करने आज यहां पर आया हूं कि आज जो मैं देख रहा हूं मेरे माता बहनों की चेहरे पे खुशी है, उस गर्भवती मां के चेहरे पे खुशी है, और ये खुशी और जब अच्छी होगी जब पुत्र पुत्री प्राप्त होने पर वह भी स्वस्थ होगी और पुत्र पुत्री भी स्वस्थ होगी। और इसीलिए गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार मिले, विटामिन और जो हमारे देशी भोजन बनाने के जो हमारे मोटे अनाज हैं, जो मोटे अनाज पौष्टिक हैं दुनिया के अंदर, अब मोटे अनाज का प्रचलन खाने में चल गया है और भारत ने शुरुआत की है और दुनिया के देश भी मानने लगे ये मोटे अनाज सबसे पौष्टिक भी होते हैं और उसमें विटामिन भी सबसे ज्यादा होता है। और इसीलिए हमारी मां बहनें जब घर पर लड्डू बनाती है या गर्भवती महिलाएं कुछ खाने का आहार बनाती है उसमें विशेष रूप से हमारे चलन के मोटे अनाजों को उपयोग करती है ताकि वह गर्भवती महिला स्वस्थ रहे और उसके आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। और हमारा संकल्प यही है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर जो भी गर्भवती महिला है वह भी स्वस्थ रहेगी और उनके होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, यह हमारा संकल्प है। और इन संकल्प को पूरा करने के लिए मेरी माता बहनों का आशीर्वाद है। और उस समय मैंने रक्षाबंधन के टाइम मेरी सभी बहनों से आग्रह किया था कि अपने अपने गांव में, अपने अपने ढाणी के अंदर, शहर के हर वार्ड के अंदर जो भी ऐसी गर्भवती महिला है जिसके पास पौष्टिक आहार की कमी है उसको हम विभिन्न फाउंडेशन के द्वारा, अभी हमारे पास अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने यहां शुरुआत की है, उनके डायरेक्टर साहब भी यहां पर आए हैं, हमारे युवा डायरेक्टर साहब भी आए जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सामाजिक कार्य करते रहते हैं, समाज में लोगों के जीवन को बदलने के लिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उस विषय पर काम करते रहते हैं। अभी कोटा बूंदी के अंदर 6000 से ज्यादा महिलाओं को इस तरीके का पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। केवल पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा, इन महिलाओं को पौष्टिक आहार के साथ एक डॉक्टर की टोली
नियमित रूप से हर महीने इनकी जांच करेगी। जांच के अंदर अगर खून की कमी, कोई विटामिन की कमी या अगर किसी की कमी आई तो उसका सप्लीमेंट्री और देने का प्रयास किया जाएगा। जहां सप्लीमेंट्री पौष्टिक की आहार होगी पौष्टिक दिया जाएगा, जहां सप्लीमेंट्री दवा की आवश्यकता होगी वहां दवा दी जाएगी, और खून की कमी होगी तो खून भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि हमारी हर महीने स्वस्थ रहे। हर महीने अगर उनकी जांच होगी, जांच रिपोर्ट का कार्ड नियमित रूप से मॉनिटरिंग होता है कि इस महीने उस गर्भवती की जांच में क्या कमी पाई गई थी, और उसके बाद एक महीने तक उनको आवश्यक दवाइयां, नया पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। अगर उसके बाद भी और कुछ कमी पाई गई तो डॉक्टर से सलाह लेकर और विटामिन डी, विटामिन की जो आवश्यक गोलियां हैं, जो डॉक्टर परामर्श करता है, महिला डॉक्टर परामर्श करता है, उसको और देकर हम चाहते हैं कि हमारी हर माँ स्वस्थ रहे और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। हम सब उनके जन्मदिन पर उनकी दीर्घायु और इसी तरीके का विश्व में वे नेतृत्व करते रहे। आज G20 का नेतृत्व भारत ने किया, भारत के प्रधानमंत्री ने वैश्विक रूप से हमारे वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति की सारा विश्व समग्र रूप से आगे बढ़े, सारा विश्व समृद्धि और खुशहाली की ओर बढ़े, सामूहिकता से काम करें, और इसीलिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है, दुनिया को दिया है, और आज हमारा सबका एक दायित्व बन जाता है कि हम हमारे अलग अलग क्षेत्र के अंदर, संसदीय क्षेत्र से विधानसभाओं के अंदर, जहां भी हम अभाव देखें, जहां भी कठिनाइयां देखें, जहां भी परेशानियां देखें, उन अभावों और कठिनाइयों परेशानियों को जन सहयोग से पूरा करने का काम करें। और इसीलिए मैंने दो बातें माता बहनों से कही थी कि पहला अभियान हर गर्भवती मां स्वस्थ रहे उसका बच्चा स्वस्थ रहे, दूसरा कहा था हर माता बहनों को घर पर रहकर भी 200-300 रुपए की वह इनकम कर सके, इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अन्य कार्य योजना बनाकर, आप कार्य योजना बनाकर लाएं, जो खाद्य सामग्री हो, कपड़े हो, जो भी चीजें आप बनाएंगी उनको उचित प्लेटफॉर्म देने का काम हम करेंगे। उसके लिए मार्केटिंग के लिए देश और दुनिया की बड़ी कंपनियां गांव से हमारे उत्पाद को देश के अंदर और ग्लोबल रूप से बेच सके, इसका प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि गांव में बैठकर महिलाएं दो टाइम की रोटी का इंतजाम कर सके। मुझे दुख होता है जब मैं आ रहा था रस्ते के अंदर तो मारवाड़ा चौकी पर मुझे महिलाएं मिली, महिलाओं ने कहा कि हमें नरेगा के अंदर काम नहीं मिल रहा। मूडला में महिलाएं मिली, दिगोद में महिलाएं मिली कि हमें नरेगा में काम नहीं कर पा। अब वक्त बदलना पड़ेगा, नरेगा में मजदूरी नहीं, हम चाहते हैं हमारी महिलाएं स्किल्ड होकर, प्रशिक्षित होकर, घर पर रहकर वह काम करने लगे, वह आइटम बनाने लगे, वह प्रोडक्ट बनाने लगे जिसको भारत में भी बेचा जा सके और दुनिया के कई मार्केटों में बेचा जा सके, ये काम हमें और करना है। और ये सब काम करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप अलग अलग गांव के अंदर बैठे चर्चा करें कि किस तरीके से हमारे गांव में हम क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या काम हमारे गांव में हो सकता है, उसकी योजना बनाकर लाएं, और उस योजना के तहत आपको कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे। कच्चा माल उपलब्ध होने के बाद जो माल तैयार होगा उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि आपका माल भी बिक सके। ये दो काम मेरी जिम्मेदारी पर मैंने
रक्षाबंधन के पर्व पर आपसे वादा किया था। आज फिर मैं आपसे कह के जा रहा हूं, ये दोनों काम आपको हमें मिलकर करना है। हर गांव के अंदर, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, सब गांव में स्वस्थ रहे। और इसीलिए मैंने सुल्तानपुर में कहा था कि हर घर पे चलता फिरता हॉस्पिटल आपके दरवाजे पे आएगा। और आज एक साल से ज्यादा हो गया, हर गांव में चलता फिरता हॉस्पिटल हर गांव में जाता है और वहां पर 27 तरह की जांचें होती है, जहां आवश्यक होती है डॉक्टर लिखता उसकी दवाइयां भी निःशुल्क वहां पर ही उपलब्ध कराई जाती है। और अगर जांच में कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार पाया जाता है तो उसकी जांच कोटा में, जयपुर में, दिल्ली के अंदर उसकी जांच कराकर उसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। एक अच्छा काम, सब स्वस्थ रहे। और दूसरी, मैंने कहा था कि उन दूर दराज गांव के अंदर जहां 4 किलोमीटर इलाके में कोई स्कूल नहीं है, छोटी ढानी है। मैं पिछली बार जब उदयपुर एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा था तो मुझे कोटा से चलने के बाद खड़ीपुर के अंदर कुछ महिलाएं मिली, उनके साथ छोटे बच्चे थे। मैंने कहा इन बच्चों की पढ़ाई होती नहीं होती, तो महिलाओं ने कहा कि माँ का गांव में तो स्कूल ही कोई नहीं, पढ़ाई कहां से होगी। मैंने कहा स्कूल कितनी दूर है, उन्होंने कहा स्कूल 3 किलोमीटर से। अब 3 किलोमीटर एक 5 साल का 6 साल का बच्चा कैसे पढ़ने जा सकता, उनके रोटी खाने का इंतजाम नहीं, खानों पे मजदूरी करने जाती है और मजदूरी करके 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है, वो कैसे 3 किलोमीटर बच्चे को पढ़ाने जाएगी। और मैंने उसी समय फैसला किया था कि ऐसे गांवों को चिन्हित करके हम उस दूर दराज के इलाके के अंदर जहां स्कूल बच्चा नहीं जा सकता, उसी ढानी के अंदर अगर पढ़ा लिखी महिला है और कोई नौजवान है तो वहीं इसको स्कूल खोलेंगे, कुछ प्रारंभिक पढ़ाई कराएंगे, फिर उसका स्कूल में एडमिशन कराएंगे ताकि वो गांव में पढ़ाई कर उसकी इच्छाओं की मैं स्कूल जा सकूं। और कैसे स्कूल पहुंचाया जा सकता है उसकी गाड़ी में, इसका शुभारंभ 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से शुरुआत की जाएगी। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी का मन है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करना, समाज के अंतिम व्यक्ति को स्वस्थ रखना, समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षित बनाना, संस्कारित बनाना, दक्ष बनाना, ताकि दुनिया के अंदर आने वाले समय में भारत का नौजवान, ये दक्ष स्किल नौजवान, भारत का नौजवान देश और दुनिया में नेतृत्व करे, ये सामर्थ्य भारत की होनी चाहिए। और ये भारत का सामर्थ्य हम आज देख रहे हैं, आज बदलते भारत की तस्वीर हम देख रहे हैं, आज दुनिया भारत की ओर देखती है, भारत के प्रधानमंत्री की ओर देखती है। ये ताकत हमने पैदा की 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी को हमने ताकत और शक्ति दी है। साथियों और माता बहनों, मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहता हूं, मेरे कुछ नौजवान भी खड़े हैं, हम सबको इस देश को आगे बढ़ाना है, विकसित बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो हम सबको अपना अपना दायित्व निभाना होगा। हम जहां भी अभाव देखें, कठिनाई देखें, हमें 2 कदम चलना होगा। हमारी माता बहन या बेटी है, आज सबके चेहरे पे खुशी है, हर महीने उनको 9 महीने और 1 महीने और 10 महीने तक ये पौष्टिक आहार मिलेगा, मेडिकल जांच होगी। आप भी गांव गांव में जाएं, ऐसी गर्भवती महिला हो जिसके पास भोजन का इंतजाम नहीं हो, दवा का इंतजाम नहीं हो, इलाज का इंतजाम नहीं हो, हमसे संपर्क करें, हम उनका इलाज भी कराएंगे, उनके भोजन का पौष्टिक आहार का भी उपलब्ध कराएंगे, मेडिकल जांच भी कराएंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो। और मैं आपको कहके जा रहा हूं, ये कार्यक्रम 2 साल पहले हमने शुरू किया था, उस समय 1000 महिलाओं से शुरू किया था,
और 1000 महिला गर्भवती महिलाओं के जब बच्चे हुए और उनको मैं मिला तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो अस्वस्थ हो। हर मां स्वस्थ और बच्चा स्वस्थ। और उस दिन मैंने दिल्ली के अंदर कहा था कि अगर सभी सांसद अपने अपने इलाके के अंदर इस अभियान को शुरू करें तो जो देश के अंदर शिशु मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर है उस शिशु और मातृ दर को हम सबसे कम लाकर दुनिया को दिशा दे सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी में हम शिशु मृत्यु दर में सबसे कम है। और ये जब ही पूरा होगा जब सबको मिलकर काम करना होगा। सबसे अभाव में देखो हमारे आंगनबाड़ी की आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता कितनी मेहनत करती है। वो देखे गांव गांव में जाकर इसके घर पे ये कमी है, ये इलाज नहीं करा पा रही, इसको आने में दिक्कत है, इसके बाद दवा का पैसा नहीं है, इसको खून की जरूरत है, खून नहीं उपलब्ध करा पा रही। वो हमसे संपर्क करे। हर गांव के अंदर पंचायत में 2-3 महिला है, जैसे दादी नानी होती थी ना वैसे दादी नानी बन जाए सारे गांव की रक्षा करने का, और उनका टेलीफोन नंबर हमारे पास हो ताकि हम एक आपस में संपर्क बना सकें। और मेरी तो इच्छा ये है कि आने वाले समय के अंदर आप सबका आशीर्वाद आ तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में हर माँ भी स्वस्थ होगी और बच्चा भी स्वस्थ होगा। कोई माँ और कोई बच्चा पौष्टिक आहार दवा और इलाज के कारण नहीं मरेगा। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और हम मिलकर इस काम को करेंगे तो नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तेज बरसात हो रही है, तेज बरसात में भी आप बैठी हुई हैं, आधी महिलाएं भीग गई है, मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं, लेकिन उसके बाद भी आप सब यहां आई हैं। आपके हर महीने मेडिकल की जांच होगी, आपके पास टेलीफोन नंबर आपका सही देना ताकि हर महीने आपकी मॉनिटरिंग होगी और कोई भी कमी होगी तो जो टेलीफोन करने वाले हैं उनको आप बता देना ताकि वहां एम्बुलेंस भेजकर जो भी व्यवस्था होगी वो करने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।